अल्लाह सुबहानहु तआला आजमाता है। इन आजमाइशों में अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है कि कौन बीमार होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र ज़्यादा करता है, अल्लाह को याद ज़्यादा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कौन करता है। उलमा ने लिखा है, सुनिए पढ़िए क्या लिखा है। आदमी बीमारी की हालत में अल्लाह को बहुत याद करता है, उठते बैठते दुआ करता है। सेहत की हालत में अल्लाह को आदमी याद नहीं करता। अल्लाह ताला किसी को बीमारी देकर अपने से करीब करता है ताकि उसका जिक्र करें, आखिरत में दर्जात उसके बुलंद हो जाएं। किसी को बीमार करके, किसी को गुर्बत में मुबतला करके, किसी का माल अल्लाह उसमें नुकसान करके, किसी की औलाद लेकर के, किसी के अजीज को पर मौत वाक़े करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आजमाता है ताकि वो अल्लाह को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे, दर्जात में बुलंद उसके दर्जात में बुलंदी हो, उसके गुनाह माफ़ हो जाएं, उसकी ख़ताएं मिट दी जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुर्बत उसको हासिल हो। और अल्लाह सुबहानहु तआला ऐसे आजमाता है, देकर अल्लाह आजमाता है कि कौन उसका बंदा है जो मिलने के बाद दौलत, हुकूमत फलां और फलां, सेहत इज्जत वगैरह मिलने के बाद कौन फरोतनी आजिज़ी इनके सारी इख्तियार करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को नवाजता है, तौफीक देता है और बड़ी बड़ी बातें कर लेता है।